हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक स्विच से तीन सॉकेट, इस वाले स्विच से इस वाले सॉकेट और इस वाले स्विच से इस वाले सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम तीनों स्विच में फेज का कनेक्शन कर लेते हैं। हमें फेज का कनेक्शन स्विच में करना होता है तो सबसे पहले तीनों स्विच के नीचे वाले पिन में फेज का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फेज के लिए लाल तार यूज में लिया है। दोस्तों, आप कोई सा भी कलर का तार यूज में लीजिए। स्विच के नीचे वाले पिन में इस तरह से लगा देना है और इसे कस लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। ये वन वे स्विच है दोस्तों, इसका दो पिन होता है। अब देखिए, इसी स्विच के नीचे वाले पिन में एक तार और लगाना होगा हमको, तो मैं इसे नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ स्विच के और इसे भी कस लेता हूँ। हमारे बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे सभी स्विच के नीचे वाले पिन को हमें इस तरह से शॉर्ट कर देना है। अब मैं इसे इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। इस तरह से मैंने तीनों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर दिया तार की सहायता से। स्विच में हमेशा फेज के तार का कनेक्शन करना है दोस्तों। स्विच में न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होता है तो हमें फेज के तार को ही लगाना है स्विच में। अब चलिए दोस्तों, हम स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले तीनों सॉकेट का कनेक्शन हम ऊपर वाले स्विच के साथ करेंगे। तो हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में एक तार लेना है और इस तरह से लगा देना है। अब इस तार को हमें टू पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में लगाना होगा दोस्तों। तो मैं इसे नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। अब देखिए, इसी में एक तार और लगाना है हमको और इसे भी कस लेना है। यहाँ पर मैं एक स्विच से तीनों टू पिन सॉकेट का कनेक्शन कर रहा हूँ। तो हमें स्विच के तार को तीनों सॉकेट के नीचे वाले पिन में लगा देना है। अब मैं इसे बीच वाले टू पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। अब हमें इसमें भी एक तार और लगाना होगा। ये देखिए, इसी वाले पिन में तार को लगाना है और इसे भी अच्छे से कस लेना है। अब इस तार को हमें इस वाले सॉकेट के नीचे वाले पिन में लगा देना है। अब एक ही स्विच से तीनों सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से एक स्विच के साथ हमें तीन सॉकेट का कनेक्शन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक स्विच से तीनों सॉकेट का कनेक्शन कर दिया। अब हमें नीचे वाले स्विच के साथ नीचे वाले सॉकेट का कनेक्शन कर लेना है। तो चलिए नीचे वाले सॉकेट का कनेक्शन स्विच के साथ कर लेते हैं। इस तरह से स्विच के ऊपर में तार को लगा देना है और इसे कस लेना है। दोस्तों, आप जिस वाले स्विच से जिस सॉकेट का कनेक्शन करना चाहते हैं उस सॉकेट में इस तार को आप लगा सकते हैं। तो मैं इसे इस वाले सॉकेट के फेज वाले पिन में लगा देता हूँ। सॉकेट के फेज वाले पिन में एल लिखा होता है, तो हमें इस तार को एल वाले पिन में लगा लेना है और कस लेना है। अब चलिए दोस्तों, इन दोनों का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो स्विच के ऊपर में तार को लगा देना है इस तरह से और इस तार को थ्री पिन सॉकेट के एल वाले पिन में लगा देना है। अब इस तार को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये थ्री पिन सॉकेट का एल वाला पिन है। एल का मतलब होता है लाइट और लाइट का मतलब होता है फेज। तो हमें फेज का कनेक्शन ही स्विच के साथ करना होता है। तो इस तरह से हमें तार को लगा देना है। अब दोस्तों, हमारा फेज का काम खत्म हो गया। अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो स्विच में न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होगा, हमें पांचों सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेना है। तो चलिए सभी सॉकेट के बचे हुए पिन में न्यूट्रल के तार को लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के लिए काला तार लिया है। ये देखिए, इस तार को मैं टू पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में इस तरह से लगा कर कस लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। अब देखिए, इस तार को हमें दूसरे वाले सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगा देना है। अब इसमें एक तार और लगाना है और इसे तीसरे वाले सॉकेट में लगा देना है। तो मैं इसी वाले पिन में इस तार को लगा देता हूँ और इसे भी कस लेता हूँ। दोस्तों, अब देखिए, इस तार को हमें कहाँ पर लगाना है। तो इसे हमें इस वाले सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगा देना है।
अब देखिए इसी वाले पिन में एक तार और लगाना है और इसे नीचे वाले दोनों सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में लगा देना है। तो मैं इसी में तार को लगा लेता हूँ क्योंकि इस तार को हमें नीचे के दोनों सॉकेट में लगाना है। हमें सभी सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर देना है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। ये 3-पिन सॉकेट का न्यूट्रल वाला पिन है। यहाँ पर N लिखा होता है, N का मतलब होता है न्यूट्रल। अब मैं इसी में एक तार और लगा देता हूँ और फिर इसे अच्छे से कस लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस न्यूट्रल वाले तार को हमें इस वाले 3-पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में लगा देना है। तो मैं इसे सॉकेट के N वाले पिन में लगा देता हूँ। दोस्तों आप अगर चाहें तो दोनों 3-पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में बॉडी अर्थ का तार लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बॉडी अर्थ का सप्लाई है तो लगाइए, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब चलिए इसमें न्यूट्रल और फेज का सप्लाई कहां पर देना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, सॉकेट और स्विच में न्यूट्रल और फेज का सप्लाई देना है हमको। स्विच के नीचे वाले पिन में हमें फेज का सप्लाई देना है और सॉकेट के ऊपर वाले पिन में हमें न्यूट्रल का सप्लाई देना है। तो मैं यहाँ पर फेज का सप्लाई दे देता हूँ। आप किसी भी स्विच के नीचे वाले पिन में फेज का सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन नीचे वाले पिन में ही सप्लाई देना है हमको। अब मैं न्यूट्रल सप्लाई 2-पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में दे देता हूँ। दोस्तों जहाँ जहाँ पर काला तार लगा है आप वहाँ पर न्यूट्रल का सप्लाई दे सकते हैं। आप किसी भी सॉकेट में न्यूट्रल का सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पर काला तार है वहीं पर देना है सप्लाई। अब चलिए दोस्तों, इसे बॉक्स में बंद कर लेता हूँ और इसमें सप्लाई देकर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बल्ब को जलाकर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ऊपर का तीनों सॉकेट एक ही स्विच के साथ कनेक्शन हुआ है। तो आप किसी भी सॉकेट में लगाइए, यह एक ही स्विच से ऑन ऑफ होगा। अब मैं इसे नीचे वाले सॉकेट में लगा देता हूँ तो ये यहाँ से ऑन ऑफ होगा। अब मैं इसे दूसरे वाले सॉकेट में लगा देता हूँ, ये देखिए अब ये यहाँ से ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होगा दोस्तों।